इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो इसमें सबसे पहले हम इसमें जो डिनोमिनेटर्स हैं उसको यहाँ पे साइड पे रखेंगे और उसका एलसीएम लेंगे जो कि 5, 6 और 3। इसको करने इसको डिनोमिनेटर को अब हमने इसको सेम क्यों नंबर लेंगे जो कि इसे डिवाइड हो सके, जैसे ये 2 के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया 5 नहीं होता, इसको वैसे लिख दिया, और 6 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर 3 आता है, और 3 नहीं डिवाइड हो सकता 2 से, इसलिए इसकी जगह पे एज इट इज़ 3 लिख देंगे। फिर दोबारा अब हम अभी देखिए ये 3 दफ़ा इसको 3 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए 3 से डिवाइड किया तो 5 ऐसे ही आ जाएगा, इसको किया तो 1 आ जाएगा, इसको भी डिवाइड किया तो 1 आ गया, और अब ये 5 है फिर इसलिए हम 5 को बाहर लिखेंगे और 5 को डिवाइड कर देंगे 1 और फिर बाकी 1 1 आएगा। जब ये 1 1 आ जाते हैं इसका मतलब ये कम्प्लीट हो गया। अब हमें ये जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो नंबर है 2 × 3 × 5, ये जो तीनों नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका आएगा 3 × 2 जो होता है वो 6 होता है, ठीक है, और 6 × 5 इज़ होगा 30। इसका मतलब है यहाँ पे इसका एलसीएम जो हमने निकाला वो 30 था। अब इसका आसान वे ये है कि आप सिंपली इसको यहाँ पे हम इसको कर देंगे 30 को नीचे एक दफ़ा लिख लेते हैं, इसको पार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक ही दफ़ा 30 लिख दिया। अब ये 5 है तो अब हमने इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि 30 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो हमें पता 6 आता है, तो अब जो 6 आएगा ये जो हमारे पास 6 इसका आंसर आता है तो उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 6 × 4 हो जाएगा 24। इसी तरह अब हमने इसको डिनोमिनेटर को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है यानी कि 30 / 6 करेंगे तो आंसर आता है 5। अब इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के यानी कि न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5 हो जाएगा, इसमें पहले प्लस साइन लगाने के बाद फिर हम लिखेंगे 25, अब फिर प्लस लगें इसलिए प्लस लिख देंगे। अब 3 और 30 है यानी कि 30 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, आंसर आ जाता है 10। अब इस 10 को हमने मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर के साथ तो आंसर आएगा 10 × 1 = 10। इन सबको अब हमने ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसमें इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 0 + 5 = 5 होता है, 5 + 4 = 9। इसी तरह 1 + 2 = 3 and 3 + 2 = 5 ओवर 30। अभी देखें कि ये बिग नंबर है तो आप इसको ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने का तरीका क्या है, इसमें आपने करना है कि 30 को इधर रखेंगे और 59 को हम इधर लिखते हैं। अब 30 का टाइम टेबल हमने पढ़ना है, अगर आपको नहीं आता तो आप इसको 30 को इधर लिख के टाइम्स बाय 1 से करेंगे तो 30 ही होगा, सिर्फ 2 से चेक कर लेते हैं, और 2 × 0 = 0 और 2 × 3 = 6 जो कि इससे बड़ा हो गया है 59 से, तो इसलिए इसका मतलब है हम इसको 2 नहीं लगा सकते, तो 30 × 1 = 30 और फिर इसको टेक अवे करेंगे तो 9 × 0 = 9 and 5 × 3 = 2 आता है। बस इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है इस क्वेश्चन का आंसर है 1 होल, इसको होल कहते हैं, ठीक है, और जो ये जो रिमाइंडर था वो इधर आ जाएगा ऊपर और ओवर 30। इस तरह ये कम्प्लीट होता है।